तैनात करने का अहम फैसला कर लिया गया है। अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक है, चौधरी सरवर को अब गवर्नर पंजाब तैनात करने का अहम फैसला सामने आ चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, आखिरकार फैसला कर लिया गया है? बिल्कुल, चौधरी सरवर ही मौजू कैंडिडेट थे गवर्नर पंजाब के लिए। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में उन्होंने अपनी पार्टी को अपनी ताकत दिखाई थी कि पंजाब असम्बली में सिर्फ 30 वोट थे पीटीआई के पिछली जो असम्बली थी, जबकि चौधरी सरवर ने सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ से सेंटर मुंतखब हुए और इन्हें 46 वोट मिले थे। तो इससे उन्होंने बताया था कि पंजाब में उनकी मुस्लिम लीग नून के भी जो अराकीन असम्बली में उनमें पजीराई मौजूद है। तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में चौधरी सरवर से बेहतर गवर्नर पंजाब के लिए चॉइस कोई मौजूद नहीं थी, कि जिस तरह वो पार्टी को पंजाब में लेकर चल रहे थे और जिस तरह इलेक्शन में उन्होंने पार्टी के लिए पंजाब में काम किया और जिस तरह वफाकी हुकूमत के क्याम के लिए वो मुतहरिक थे, उसके लिए इमरान खान और पार्टी ने यह बिल आखिर फैसला किया है कि चौधरी सरवर चूंकि पहले भी गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, दूसरा उनके जो यूरोपीय ममालिक हैं उसमें तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बड़े पर्सनल लेवल तक हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो इसलिए उनको गवर्नर पंजाब लगाने का फैसला किया गया है ताकि आइंदा हुकूमत में यूरोपीय ममालिक से तजारत और दीगर मामलात में जो पीटीआई की पंजाब हुकूमत है और वफाकी हुकूमत है उसको फायदे हासिल हो सकें। जी आयासुर, ये भी अपडेट कीजिएगा, इससे खबर जो नाम सामने आए मेजाज चौधरी का नाम है और दीगर नाम भी शामिल है, क़यादत की जानिब से क्या तासुरात सामने आ रहे हैं नाम सिलेक्शन के बाद? बिल्कुल, एजाज चौधरी साहब का नाम भी गवर्नर पंजाब की दौड़ में बहुत नुमाया था, सबसे आगे था, लेकिन चौधरी सरवर को वफाक में जो अपना वजीर खारजा का ओहदा नहीं दिया जा सकता था, उसके लिए और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो लिहाजा उस पर फिर आखिरी वक्त में ये डिसाइड किया गया कि उनको गवर्नर पंजाब का ओहदा दिया जाए। बिल्कुल, एजाज चौधरी साहब भी गवर्नर पंजाब की दौड़ में शामिल थे और बड़े नुमाया उनका था, लेकिन ये आखिरी वक्त में फैसला हुआ है क्योंकि अपना चौधरी सरवर को वफाकी वजारत खारजा नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्हें गवर्नर पंजाब का ओहदा देकर तो उस पर आखिरकार फैसला कर लिया गया। आपने हमें अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। उनका यह बताना था कि चौधरी सरवर को गवर्नर पंजाब तैनात करने का अहम फैसला कर लिया गया है।